प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी प्रवास कार्यक्रम के अंत में कौशाम्बी महोत्सव का भव्य आगाज कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की तपोस्थलिक कौशाम्बी प्रदेश में विकास का शंखानंद कर दिया है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश की पहचान समाप्त करने की साजिश हुई थी। प्रदेश के सामने संकट था, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भयभीत था, गुंडाराज चरम पर था, हर साल दंगे होते थे, आम नागरिकों का शोषण होता था। केंद्र में आपने नेतृत्व पीएम मोदी के हाथ में दिया है, जिसमें विकास का केंद्र गांव बना है। किसान बनेगा, नौजवान बनेगा, हम भी उनकी तर्ज पर प्रदेश में विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान कर्ज माफी हो या समर्थन मूल्य से अधिक का भुगतान, पहली बार बिना भेदभाव पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है। नौजवानों की तरफ इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार 4 लाख नौकरियां लेकर आ रही है, इसीलिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार की हमारी सरकार में कोई। सीएम योगी ने मन से यूपी के उन लापरवाह अफसरों को चेतावनी दी है कि जो नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करेगा, हम उसकी नौकरी से खिलवाड़ करेंगे। विकास के पिटारे से यूपी सीएम ने 300 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही कौशाम्बी को बौद्ध परिपथ से जोड़ने की घोषणा की। कौशाम्बी के लोगों को विकास का भरोसा देते हुए यूपी सीएम ने यह ऐलान किया है कि कौशाम्बी किसी भी क्षेत्र में विकास में पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश में कोई जगह नहीं गुंडागर्दी और अराजकता के लिए, प्रदेश में कोई जगह नहीं भ्रष्टाचार के लिए, कोई जगह नहीं। जो इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, हम लोग उस व्यक्ति की नौकरी के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट।